नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो सबसे पहले सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की दिली मुबारकबाद और हमारे हिंदू भाइयों को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा चल रहा है आप लोगों का? दोस्तों आज चांद रात है तो सऊदी अरबिया में बुधवार को ईद है और इंडिया में हमारे बृहस्पतिवार को ईद है। तो आज यहाँ पे चांद रात है, हम आए हुए हैं गाड़ी धुलाने के लिए। अभी रात के 2 बजे हुए हैं और देख रहे हैं कितनी चहल पहल है क्योंकि सुबह ईद है। इस माहौल में हम निकले आए गाड़ी धुलाने के लिए तो देखा बहुत भीड़, कई मकसला तलाश किए। जाके मुझे इस पेट्रोल पंप पे मकसला खाली मिला, बोला थोड़ा वेट करो, नंबर लगाओ, अभी नंबर आएगा। तो हमने अपनी गाड़ी पीछे पार्क कर दी और खड़े होकर हमने कहा तब तक हम एक वीडियो बना लेते हैं। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का, कितनी भीड़ भड़क्का है, कितनी ढेर सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो धुलाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि सुबह ईद है तो लाजिम साफ सफाई चाहिए सबको। हमारी गाड़ी यहाँ पार्किंग में लगी हुई है, अभी हम इसको ले जा रहे हैं, अंदर पार्क करेंगे। जब ये गाड़ी जो धुली जा रही है धुल जाएगी तो हम इसी के पीछे, हमारा नंबर है तो हम अपनी गाड़ी लगाएंगे यहाँ। ये देखिए ये है हमारी गाड़ी। तो दोस्तों कैसा है यहाँ का सुंदर नज़ारा रात का? बहुत अच्छा लग रहा है हमारे हिसाब से। आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, आप लोग देखिए एंजॉय करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं, हम शेयर भी कर देते हैं, उसके बाद भी आप लोग अभी तक देखने के बाद भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये देखिए हम अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं अंदर और गाड़ी को यहीं लगा देंगे, लोग धुलेंगे भी आराम से। धुल के जब क्लीन हो जाएगी फिर हम गाड़ी निकालेंगे, चले जाएंगे घर पे, क्योंकि सुबह सबको लेके इधर उधर टहलना है, घूमना है। अभी रात के 2 बज गए हैं पर अभी सोने को नहीं मिला है। इस मकसले की वीडियो हमने पहले भी बना चुकी है, यहाँ पे कैसी कैसी मशीनें हैं, कैसे कैसे धोते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, वो सब हमने आपको दिखाया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं कि सऊदी अरब में गाड़ी धुलाई का काम कैसे होता है। अगर आप इसका वीज़ा पा रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं तो देख लीजिए। और ये रेट लिस्ट है, कितने रुपए किस गाड़ी का पड़ता है, सब हमारी फ़िलहाल हमने एक वीडियो बना रखी है पीछे में, आप देख सकते हैं वहाँ भी। बाकी यहाँ की ये वीडियो काफ़ी साफ है, इसी महाते पे पेट्रोल पम्प को महाता बोलते हैं। तो देखिए पेट्रोल पम्प पर क्या क्या होता है, ये भी आपको दिखा रहे हैं। पेट्रोल पम्प पर ये पेट्रोल पंप है जहाँ पर पेट्रोल, बाकी इधर ये टायर की दुकान है, फिर इधर कार की एसेसरीज मिलती है, साइड में आगे बढ़ेंगे तो पंचर की दुकान है, फिर ऑयल चेंज की शॉप है, उसके आगे बढ़ेंगे तो किनारे पे एक बूफिया मिलेगा जिसको छोटा मोटा एक रेस्टोरेंट में कहते हैं, जहाँ पे आप चाय नाश्ते के लिए कुछ भी ले सकते हैं। और ये जो सामने हरा बोर्ड दिख रहा है ये किराना स्टोर है जिसको यहाँ पर बकाला कहते हैं। इतनी चीज़ें हर बकाले हर पेट्रोल पंप पे आपको मिलेंगी सऊदी अरब के अंदर। तो अभी हम बकाले के अंदर जाते हैं, हमको एक लेना है एनर्जी ड्रिंक क्योंकि हमारी एनर्जी थोड़ी डाउन हो रही है, तो हम एनर्जी ड्रिंक के लिए अंदर घुस रहे हैं। देखिए यहाँ का जो ये बकाला होता है, जैसे अपने यहाँ किराना स्टोर होता है, किराने की दुकान होती है, देखिए यहाँ पे कितने सिस्टमेटिक ढंग से और कितने अच्छे से यहाँ पे होता है। जैसे यहाँ बकाला पे हर कुछ मिलता है, कुछ भी चाहिए आपको बकाले पे उपलब्ध है, जैसे अपने राशन किराने की दुकान होती है वहाँ पे सब कुछ मिलता है यहाँ पे, वैसे यहाँ भी चिकन मटन से ले के सब, पानी से ले के तेल मसाले से ले के खाने पीने के नाश्ते, नमकीन बिस्किट वगैरह, रोटी वगैरह सब कुछ मिलता है यहाँ पे। तो दोस्तों अगर आप नहीं आए सऊदी अरबिया तो देख लीजिए यहाँ का माहौल कैसा होता है, यहाँ काम कैसे किया जाता है सब कुछ। और चांद रात में यहाँ दुकानें बंद नहीं होती हैं, जिस दिन आखिरी रोजा होता है उस दिन सुबह से दुकानें खुली रहती हैं, पूरा दिन खुली रहती हैं, पूरी रात खुली रहती हैं। उसके बाद ईद, जब ईद की सुबह नमाज होती है तब दुकानें सारी बंद होती हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 दिन पूरी छुट्टी होती है, 2 दिन कोई काम नहीं होता, सिर्फ आपको ज़रूरत की दुकानें खुली मिलेंगी, जैसे कि बकाला हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, ऐसी मतलब कुछ जो आपको प्रतिदिन यूज करने वाली जिसके बिना काम नहीं चलता वो सारी दुकानें खुले मिलेंगी। बाकी हर किसी की यहाँ की 2 दिन की छुट्टी होती है। ये देखिए हमको एनर्जी ड्रिंक मिल गई है, हम यहाँ से निकालते हैं रीता
और इसको अभी हम जाके बाहर पियेंगे। ये देखिए दोस्तों, कॉफी वगैरह जो भी चाहिए यहाँ बकाले पे हर सामान उपलब्ध है। इतने अच्छे, इतने सिस्टमेटिक ढंग से सजाए हैं कि आप जाके खुद आराम से घूम के खरीद सकते हैं जो भी चाहिए। आप लोग की ईद कैसी रहेगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों हमने रीता ले लिया है, जाके देख रहे हैं हमारी गाड़ी क्लीन हो गई या नहीं हो गई, और नहीं हुई है तो वहीं बैठ के पीते हैं। और आज की वीडियो हमारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। ईद की बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से आप सभी को। नमस्कार, जय हिंद, जय माता दी।